नमस्कार, हमारे इस खास शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। मैं आपको बताऊंगी हाथरस में जिस भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ मची, उस भोले बाबा से जुड़ी कई अनसुनी कहानियां। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। मैं आपको बताऊंगी भोले बाबा के सत्संग में बाबा की ड्रेसल कोट का रहस्य। नमस्कार, मैं अमित गंजू। मैं आपको बताऊंगा कि क्या भोले बाबा के सेवादारों और उनके सुरक्षा कर्मियों ने भक्तों के साथ धक्का मुक्की की थी। भोले बाबा, वो नाम जो हाथरस हादसे के बाद सबकी जबान पर है। कैसे एक झोपड़ी में सत्संग करने वाला सूरजपाल बन गया भोले बाबा, इस रिपोर्ट से देखिए। तो सत्संग में माँ कैसी है? माँ का पता नहीं है सर, राजने में हर जगह दिक्कत ही दिक्कत। धक्का मुक्की का इतना तेज प्रभाव था, एक दूसरे के आदमी के ऊपर चढ़ रहा है। हाथरस हादसे की तस्वीरों से पूरे देश की आंखें नम हैं। ये भक्त सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि, जिन्हें भोले बाबा भी कहा जाता है, उनका प्रवचन सुनने आए थे। आखिर ये भोले बाबा है कौन, वो प्रवचन क्यों देने लगे, भोले बाबा के कपड़ों का रहस्य क्या है, आज हम आपको भोले बाबा से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य बताएंगे जिन्हें जानने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। गांव में खेती करते थे भोले बाबा। नारायण हरि उर्फ भोले बाबा का असली नाम सूरजपाल है। वो कासगंज जिले के बहादुर नगर का रहने वाला है। सूरजपाल बचपन में अपने पिता के साथ खेती करते थे। पुलिस विभाग में नौकरी। सूरजपाल बचपन से पुलिस विभाग में काम करने के सपने देखा करते थे। वो पुलिस में भर्ती होना चाहते थे, लिहाजा उन्होंने तैयारी की और पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती हो गए। लेकिन पुलिस विभाग में करीब 18 सालों तक नौकरी करने के बाद उन्होंने अचानक से BRS ले लिया। झोपड़ी से प्रवचन की शुरुआत। पुलिस की नौकरी छोड़ने के बाद सूरजपाल ने अध्यात्म का रुख किया। पटियाली के गांव बहादुर नगर में अपनी झोपड़ी से ही उन्होंने सत्संग करना शुरू कर दिया। भोले बाबा का कहना है कि अचानक उनके अंदर भगवान के प्रति लगाव होने लगा और उन्होंने ये रास्ता अपना लिया। पुलिस की नौकरी छूटने के बाद सूरजपाल ने अपने घर पर सत्संग करना शुरू कर दिया। गांव की एक कोठरी में 5 लोगों से शुरू हुआ सत्संग में भक्तों की संख्या बढ़ती चली गई। बाबा का यह कहना था कि उसे प्रभु में इतना लीन होने का मन कर रहा है कि उसके लिए दुनिया में अब कोई भी चीज सामने उसे अच्छी नहीं लगती। यही वजह है कि वो अपने आप को शंकर या भोले शंकर कहलवाने लगा। पहले घर पर 15 लोगों को सत्संग में बुलाया करता था, मगर उसका ये प्रचार धीरे धीरे बढ़ता चला गया और भक्तों की संख्या भी। नारायण साकार हरि की प्यारी दुलारी सात संगत, प्रेम से बोलना नारायण साकार हरि की। गांव में उन्होंने प्रवचन देना शुरू किया। धीरे धीरे लोग उन्हें भोले बाबा कहने लगे और उनके भक्तों की तादाद बढ़ने लगी। लोग उनकी बातों में आने लगे। खुद को बताते हैं हरि का शिष्य। भोले बाबा खुद को हरि का शिष्य बताते हैं। उनका कहना है उनका कोई गुरु नहीं है, बल्कि वो हमेशा से हरि के भक्त रहे हैं, इसीलिए उन्होंने अपना नाम भी बदल लिया। उन्होंने अपना नाम सूरजपाल से बदलकर नारायण साकार हरि कर दिया। पांच राज्यों में भोले बाबा का जलवा। साकार हरि परमात्मा का वचन और सेवा, और ये सत्य का अभ्यास। अगर आप इन तीनों शब्दों को पकड़ा और चलते रहे। जैसे जैसे भोले बाबा के प्रवचन बढ़ते गए, उनके भक्तों की तादाद भी बढ़ती चली गई। एटा, आगरा, मैनपुरी, शाहजहांपुर, हाथरस समेत कई जिलों में भोले बाबा के भक्तों की तादाद लाखों में है। लेकिन यूपी ही नहीं, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश में भी बड़ी तादाद में भक्त भोले बाबा के सत्संग में शामिल होने आते हैं। इस संसार में भी यश पाओगे और
जीते जी एहसास करोगे, महसूस करोगे, देखोगे कि अब मेरा भविष्य बेड़ा पार हो गया। जाटव वाल्मीकि समाज के ज्यादा भक्त। वैसे तो भोले बाबा के भक्त सभी समुदाय से आते हैं, लेकिन माना जाता है कि जाटव और वाल्मीकि समाज में भोले बाबा का खासा प्रभाव है। उनके ज्यादातर भक्त ऐसे हैं जो जाटव वाल्मीकि और अन्य पिछड़ी जातियों से आते हैं, जिनकी संख्या लाखों में है। भक्त मानते हैं अवतार। भोले बाबा खुद को हरि का भक्त बताते हैं। वो अपने प्रवचनों में हरि के गुण गाते दिखाई देते हैं, लेकिन उनका जादू ऐसा है कि उनके भक्त उन्हें भगवान का अवतार मानते हैं। यही वजह है कि हाथरस में उनके चरणों की धूल हासिल करने के लिए भक्तों में भगदड़ मच गई। बाबा के सत्संग में जादुई पानी। भोले बाबा के सत्संग में लाखों की भीड़ आती है और उन भक्तों को प्रसाद के तौर पर पानी पिलाया जाता है। भक्तों का मानना है कि बाबा के सत्संग वाला जादुई पानी पीने से उनकी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि भोले बाबा के सत्संग में आने वाले यहाँ का पानी भरकर अपने घर ले जाते हैं और रिश्तेदारों को भी पिलाते हैं। बाबा का जादुई पानी सर चढ़ बोलने लगा। बाबा अपने सत्संग में जादुई पानी को अपने भक्तों को देते थे। भक्तों की आस्था ऐसी कि उस जादुई पानी को वो खुद पीते थे, अपने परिजनों को और अपने नाते रिश्तेदारों को पिलाते थे। उनका ये मानना था भक्तों का कि इस जादुई पानी से उनके सारे संकट दूर हो जाएंगे। यहाँ तक कि जादू टोना टोटका अगर किसी ने कुछ किया हो तो ये जादुई पानी उस पर असर करता था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। Oh,